जीरो बैलेंस या मिनिमम बैलेंस क्या अच्छा रहेगा? Here's all that you need to know. जीरो बैलेंस अकाउंट वीडियो कॉलिंग के प्रोसेस से ऑनलाइन ही ओपन हो जाता है, और वही मिनिमम बैलेंस अकाउंट के लिए बैंक जाना पड़ता है। मिनिमम बैलेंस अकाउंट में डेबिट कार्ड और चेकबुक के लिए आपको कोई एक्स्ट्रा फीस नहीं देनी पड़ेगी, लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको फीस देनी पड़ेगी। और सबसे जरूरी बात, मिनिमम बैलेंस अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस हमेशा मेंटेन करना पड़ेगा वरना चार्ज लगेगा, लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट में कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अब मोर ओवर मिनिमम बैलेंस अकाउंट में ट्रांजैक्शन की कोई लिमिट नहीं होती, लेकिन जीरो बैलेंस अकाउंट में 2 लाख तक की लिमिट होती है। अब जीरो बैलेंस अकाउंट में आपको बैंक की डील्स और ऑफर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन मिनिमम बैलेंस अकाउंट में आप एलिजिबल होंगे। तो अब इस इन्फॉर्मेशन के बाद आप कौन सा अकाउंट खुलवाना चाहोगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और हाउस ऑफ गोट को सब्सक्राइब कर लेना।